गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लैब 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 21 जून 2020 और आज हम लोग 21 जून का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर्स से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेटस होंगे उन सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, या रेलवे हो, या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? When is World Refugee Day celebrated? तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है 20 जून को, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 20 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अभी जो विश्व शरणार्थी दिवस है यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है, इसको मनाया क्यों जाता है? तो इसको मनाया जाता है विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। और वर्ष 2020 के लिए विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या है? तो इसका थीम है एवरी एक्शन काउंट्स। क्या है? एवरी एक्शन काउंट्स। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने जितना भी इम्पोर्टेंट डे डिस्कस किया है उन सभी को आज हम लोग रिवाइज करेंगे। फर्स्ट है विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे। इस दिवस को कब सेलिब्रेट किया गया था? फर्स्ट जून को। और इस वर्ष यानी 2020 में वर्ल्ड मिल्क डे का ये 20 एनिवर्सरी था। नेक्स्ट है विश्व माता पिता दिवस यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। इस दिवस को कब सेलिब्रेट किया गया था? फर्स्ट जून को। नेक्स्ट है तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस यानी तेलंगाना फॉर्मेशन डे। इस दिवस को कब सेलिब्रेट किया गया था? सेकेंड जून को। नेक्स्ट है विश्व साइकिल दिवस यानी वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। इसको कब सेलिब्रेट किया गया था? थर्ड जून को। नेक्स्ट है मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। इस दिवस को कब सेलिब्रेट किया गया था? फोर्थ जून को। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इस दिवस को कब सेलिब्रेट किया गया था? 5 जून को। नेक्स्ट है रूसी भाषा दिवस यानी रशियन लैंग्वेज डे। इस दिवस को कब सेलिब्रेट किया गया था? 6 जून को। नेक्स्ट है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इस दिवस को कब सेलिब्रेट किया गया था? 7 जून को। और वर्ष 2020 के लिए इस दिवस का थीम क्या था? तो इस दिवस का थीम था फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। क्या है? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। नेक्स्ट है विश्व महासागरीय दिवस यानी वर्ल्ड ओशियंस डे। इस दिवस को कब सेलिब्रेट किया गया था? 8 जून को। नेक्स्ट है विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। इस दिवस को कब सेलिब्रेट किया गया था? 8 जून को। नेक्स्ट है बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो इस दिवस को कब सेलिब्रेट किया गया था? 12 जून को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस यानी इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। इस दिवस को कब सेलिब्रेट किया गया था? 13 जून को। नेक्स्ट है विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। इस दिवस को कब सेलिब्रेट किया गया था? 14 जून को। नेक्स्ट है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड इल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे। इस दिवस को कब सेलिब्रेट किया गया था? 15 जून को। नेक्स्ट है ग्लोबल विंड डे। इस दिवस को कब सेलिब्रेट किया गया था? 15 जून को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंस। इस दिवस को कब सेलिब्रेट किया गया था? 16 जून को। नेक्स्ट है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया था 17 जून को। नेक्स्ट है
ऑटिस्टिक प्राइड डे, इस दिवस को कब सेलिब्रेट किया गया था? 18 जून को। नेक्स्ट है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, इस दिवस को कब सेलिब्रेट किया गया था? 18 जून को। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया था 19 जून को। फ्रेंड्स, इन सारे इंपॉर्टेंट डे को आपको डेली रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने एक कम लागत वाला COVID-19 डायग्नोस्टिक किट विकसित किया है? विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली डेवलप्ड ए लो कॉस्ट COVID-19 डायग्नोस्टिक किट? तो यह है IIT गुवाहाटी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी IIT गुवाहाटी के द्वारा एक कम लागत वाला COVID-19 डायग्नोस्टिक किट विकसित किया गया है। इस किट का यूज लैबोरेटरी में सुरक्षित रूप से सैंपल को एकत्र करने में किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस किट को IIT गुवाहाटी ने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल RR एनिमल हेल्थ केयर लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी? तो यह है उर्जित पटेल, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी उर्जित पटेल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है और इनकी नियुक्ति है जो 4 इयर्स के लिए की गई है। फ्रेंड्स, ये किनका स्थान लेंगे? तो ये स्थान लेंगे विजय केलकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BPR विठल का निधन हो गया है, उनका संबंध था? रिसेंटली BPR विठल हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू? तो ये एक अर्थशास्त्री थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, BPR विठल थे जो अर्थशास्त्री होने के साथ साथ 10वें वित्त आयोग के सदस्य भी थे और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है, इनका क्या नाम था? BPR विठल, और ये एक अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र निकाय की अध्यक्षता कब करेगा? When will India preside over the United Nations body? तो यह है अगस्त 2021, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत है जो संयुक्त राष्ट्र निकाय की अध्यक्षता अगस्त 2021 में करेगा। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र निकाय के जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी को अल्फाबेटिकली एक एक महीने के लिए अध्यक्ष बनाया जाता है और अभी भारत को अध्यक्ष बनाया जाएगा अगस्त 2021 में और भारत के बाद नॉर्वे, आयरलैंड, केन्या और मैक्सिको बारी बारी से संयुक्त राष्ट्र निकाय की अध्यक्षता करेंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशंस में मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 193 मेंबर स्टेट्स हैं और 2 हैं जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। यूनाइटेड नेशंस का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। और अभी प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। क्या नाम है उनका? एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूजर फ्रेंडली PPE किट नवरक्षक को मंजूरी दी है? हु हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द यूजर फ्रेंडली PPE किट नवरक्षक? तो यह है ICMR, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी ICMR ने एक यूजर फ्रेंडली PPE किट को मंजूरी दी है और उसका नाम क्या है? नवरक्षक। इस किट को पहनकर स्वास्थ्य कर्मी लंबे समय तक अपना काम कर सकते हैं। अब इस किट को मंजूरी दिया गया है ICMR के द्वारा, तो हम लोग ICMR से रिलेटेड कुछ स्टेटस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं ICMR के बारे में। ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1911 एज ए IRFA के रूप में। ICMR का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और अभी प्रेजेंट टाइम में ICMR के सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर बलराम भार्गव। क्या नाम है उनका? डॉक्टर बलराम भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने R&D पोर्टल सत्यभामा शुरू किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द R&D पोर्टल सत्यभामा? तो यह है प्रहलाद जोशी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी प्रहलाद जोशी जी के द्वारा R&D पोर्टल शुरू किया गया है और उस पोर्टल का नाम क्या है? सत्यभामा। इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है खान मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना के लिए, जिससे कि योजना के काम में तेजी आएगी और इसके साथ
ही साथ इस पोर्टल के माध्यम से योजनाओं पे ऑनलाइन निगरानी रखा जा सकेगा। फ्रेंड्स, ये जो पोर्टल है सत्यभामा, इसका फुल फॉर्म क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीद कर्नल संतोष बाबू के परिवार को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का घोषणा किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड अ कंपनसेशन ऑफ 5 करोड़ रुपए टू द फैमिली ऑफ मार्टियर कर्नल संतोष बाबू? तो यह है तेलंगाना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी जो भारत चीन सीमा पर चीन के सैनिकों के साथ जो संघर्ष हुआ था, उसमें कर्नल संतोष बाबू देश के लिए शहीद हो गए थे। इनके बहादुरी के सम्मान में तेलंगाना राज्य सरकार ने इनके परिवार को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का घोषणा किया है। अब इस मुआवजा को देने का घोषणा किया गया है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग तेलंगाना से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना का फॉर्मेशन कब हुआ था? 2 जून 2014 में। तेलंगाना का कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 33। और अभी प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और अभी प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिलीसाई सौंदर राजन। क्या नाम है उनका? तमिलीसाई सौंदर राजन। तेलंगाना में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 120। तेलंगाना में लोकसभा का सीट कितना है? 17। और तेलंगाना में राज्यसभा का सीट कितना है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने PMC बैंक पर लगे रेगुलेटरी बैन को कितने महीने तक के लिए बढ़ा दिया है? रिसेंटली RBI हैज एक्सटेंडेड द रेगुलेटरी बैन ऑन PMC बैंक फॉर हाउ मेनी मंथ्स? तो यह है 3 मंथ्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के कारण RBI ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर रेगुलेटरी बैन को 3 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। अब इस रेगुलेटरी बैन को लगाया गया है RBI के द्वारा। तो हम लोग RBI से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं RBI के बारे में। RBI का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और अभी प्रेजेंट टाइम में RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और ये RBI के 25th गवर्नर हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम में RBI के डिप्टी गवर्नर कौन कौन है? श्री BP कनुनगो, श्री महेश कुमार जैन और डॉक्टर MD पात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में JSW सीमेंट ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रिसेंटली हु हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ JSW सीमेंट? तो ये है सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को JSW सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी सीमेंट ब्रांड ने एक नया मल्टीमीडिया मार्केटिंग अभियान लॉन्च किया है, उसका नाम है लीडर्स चॉइस। और इसमें दोनों स्पोर्ट्स आइकन को शामिल किया गया है। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में मारुति ने किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू किया है? रिसेंटली विद विच बैंक हैज मारुति लॉन्च फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम? तो इसका ऑप्शन था पेटीएम पेमेंट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, करूर वैश्य बैंक और यस बैंक। तो यह है करूर वैश्य बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी मारुति ने करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम को स्टार्ट किया है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है। तो आप इसी तरह पर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स ने किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 10 अमीरों की सूची में शामिल किया है? विच इंडियन हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड बाय फोर्ब्स इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 रिच इन द वर्ल्ड? तो इसका ऑप्शन है अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, लक्ष्मी मित्तल और रतन टाटा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।